नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ISL सीजन 7 से जुड़े ट्रांसफर न्यूज़ को लेकर। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंडियन फुटबॉल से जुड़े और ISL से जुड़े सारे ट्रांसफर न्यूज़ और अपडेट आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों FC गोवा के तरफ से। तो FC गोवा टीम मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया है इगोर एंजुलो के ऊपर। इनका उम्र है दोस्तों 36 साल और ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों स्ट्राइकर। और FC गोवा सुना जा रहा है इनको बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी है साइन करने के लिए। और दोस्तों इगोर एंजुलो अभी जिस क्लब के लिए खेल रहे हैं उस क्लब के साथ इगोर एंजुलो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है दोस्तों 31 अगस्त 2020 को। यानी कि दोस्तों FC गोवा को इनको अपने टीम में साइन करने के लिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, मतलब कि दोस्तों FC गोवा को ट्रांसफ़र फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इगोर एंजुलो को अपनी टीम में साइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर FC गोवा चाहे तो वो फिरान कोरोमिनास को भी रिटेन कर सकती है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल का जो अपडेट है इगोर एंजुलो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है FC गोवा टीम मैनेजमेंट, और सुना जा रहा है कि FC गोवा टीम मैनेजमेंट अपने टीम में इगोर एंजुलो को कन्फर्म कर चुके हैं अगले सीज़न के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तक फिरान कोरोमिनास को FC गोवा ने रिटेन नहीं किया है, तो आगे करेगी भी नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुकी है इगोर एंजुलो को FC गोवा टीम मैनेजमेंट अगले सीजन के लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म अपडेट है कि इगोर एंजुलो जो है वो FC गोवा में साइन कर चुके हैं, ये सोर्स हमें बता रहा है। तो अब देखना यह है दोस्तों इगोर एंजुलो के साथ फिरान कोरोमिनास को भी FC गोवा अपनी टीम में साइन करती है कि नहीं करती है। लेकिन दोस्तों जैसे इसके बारे में कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर जो निकल के आ रहा है केरला ब्लास्टर FC के तरफ से। तो दोस्तों KBFC टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है दामिर सॉफ्सिक को अपने टीम में साइन करने के लिए। और अगर दामिर सॉफ्सिक के बारे में बात किया जाए तो ये क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। इनका उम्र है दोस्तों 30 साल और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों अटैकिंग मिडफील्ड, और ये बेहतरीन खिलाड़ी है। और सुना जा रहा है कि कीवी विकुना जो अभी केरला ब्लास्टर FC के हेड कोच हैं उन्होंने सुझाव दिया है केरला ब्लास्टर FC टीम मैनेजमेंट को कि दामिर सॉफ्सिक को अपने टीम में साइन करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों जोसेबा बेटिया भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है केरला ब्लास्टर FC को साइन करने के लिए। और कोच कीबू भिकुना भी यही चाहते हैं कि वो दामिर सॉफ्सिक के साथ जोसेबा बेटिया को भी साइन करे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक ही शैली के खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों जोसेबा बेटिया को लेकर जो अपडेट है वो बहुत कमज़ोर र्यूमर है, लेकिन आगे जाके कन्फर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों दामिर सॉफ्सिक का जो अपडेट है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है केरला ब्लास्टर FC में, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है दामिर सॉफ्सिक को लेकर कि वो अभी विदाउट क्लब है, अभी किसी भी क्लब में वो नहीं है। तो केरला ब्लास्टर FC में वो आराम से साइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास जो फ़िलहाल अपडेट आया मैंने आप सभी को उस अपडेट के बारे में बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।